अगर 3 का मल्टीपल्स लेना है दो कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर पहला मल्टीपल 3 का मान लो, कुछ भी ले लो, पहला 3 का मल्टीपल बोलो कोई भी, हम वही बोले थे, कुछ और बोलो, 3 का एक मल्टीपल 9, हाँ 12, चलो 12 ले लेते हैं, कि पहला मल्टीपल 3 का कौन है, 12, अगर पहला मल्टीपल 12 माना है, इसका बाद वाला मल्टीपल कौन होगा 3 का, 15 होगा, तो 12 से ये कितना ज़्यादा प्लस हो गया, प्लस 3 हुआ ना, तुम कुछ और बोलो, एक हम 6 बोले थे, तो दूसरा कौन होता, 9, मतलब फिर से कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, तो पहला अगर x बोलेंगे तो दूसरा कितना होगा, x में प्लस 3 होगा, मतलब x प्लस 3 आएगा, तो ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब x इंटू x प्लस 3, वो कितना दिया हुआ है, ले 648। अब हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, माइनस में आएगा तो नहीं, नहीं प्लस वाला कंसेप्ट। हाँ चलो नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल, कहाँ गया, हाँ द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, तो पहला नेचुरल नंबर को हम लोग, अरे नहीं हम पहले 15 वाला बता रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को हम एक्स और वाई मान लिए, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना बोल दिया है, 5 बोल दिया है, तो एक्स, ये एक्स 5 को इधर लाएंगे तो माइनस 5 होगा और वाई आ गया, तो मेरा पहला नंबर हो गया एक्स, दूसरा नंबर क्या हो गया, एक्स माइनस 5, यही किया था ना तुम लोग, इसके बाद क्या बोला था, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 5/14, इन लोगों का रेसिप्रोकल जो होगा वो 5/14 होगा। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, x बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन x माइनस 5, ये बात समझ में आया, अभी दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे 1/x और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x-5, इन दोनों में से बड़ा कौन है, x है ही नहीं, इस दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब 1/x बड़ा है, नहीं गलत हो गया, समझो मेरा बात समझो, 2 और 4 में बड़ा कौन, और जैसे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2/1/4, इस दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, इसका मतलब है एक रोटी, मतलब आधा रोटी, इसका मतलब है 1/4 रोटी, हाँ तो जैसे ही रेसिप्रोकल कर देते हैं पलट जाता है ग्रेटर स्मॉलर वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया पलट गया, ये ऐसा हो जाएगा, तो बड़ा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, छोटा माइनस बड़ा कि बड़ा माइनस छोटा, तो पहले इसको लिखेंगे 1/x-5 - 1/x इक्वल टू जो डिफरेंस लिखा हुआ है वो 5/14, ये किए थे कि नहीं किए थे, अच्छा ये किए थे, चलो तब तो सही है, पहला चीज़ सही कर लिए थे। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, x - 5 ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस ऊपर आ जाएगा x-5, बट x-5 को कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू हो जाएगा 5/14, उसके बाद x-x और --+5, यह हो जाएगा x²-5x इक्वल टू 5/14, ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 5 × 14 का कितना होता है 70, और इधर हो जाएगा 5x² - 5 5 5 5 25x, ठीक है इतना, तो हो जाएगा 5x² - 25x, और ये प्लस 70 उतर जाएगा तो इक्वल टू 0, और 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा तो x², ये 5 से डिवाइड होगा तो 5x, और ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना 14 इक्वल टू 0, ये लास्ट फाइनल इक्वेशन आया था, ये नहीं आया था, ये आ गया तो अब बन जाएगा 57 को इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, उस प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 680 होना चाहिए, तो पहला पार्ट को मान लो, ऐसा मतलब डिवाइड करने बोला, ऐसा मत सोचो कि 57 को डिवाइड करने बोल रहे हैं, ये तरह का डिवाइड नहीं, 57 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक लगा, एक होगा मान लो एक्स, एक होगा एक्स, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, जो बच गया वो होगा, डिवाइड करना मतलब जैसे कि तुमको 10 को दिए हैं हम कुछ चीज़, जैसे चॉकलेट्स दिए हैं, उसको दो जन में डिवाइड करो, तो किसी को दो दिए तो बाकी जनों को कितना दोगे, तो ये डिवाइड ना किए, बात समझ में आया, तो 8 कैसे आया, 10 माइनस क्या करके, इधर वाला करके, 2 वाला करके, इधर x माने तो इधर क्या मानना पड़ेगा 57 - x, अब इसी दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब x × 57 - x वही किसके बराबर है, 680 के बराबर है, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना है, आंसर लाना जो भी आया, हाँ डिवाइड छोड़ सकते।